Hello everyone, thank you so much for joining the live session. अब इस session का purpose यही है कि I want to solve all your questions and queries. Hello Mr. Shah, thank you so much for joining. I know you are joining from New Jersey if I'm not wrong. Wow, that's great. Thanks for confirming that you can hear me and see. Okay, nice. So I'm just waiting for some more participants to join. Meanwhile, I have kuch basic. Norway. I was thinking New Jersey. Thank you so much for joining from Norway. So I have some basic questions, which I got call from multiple aspirants. So शुरू करने से पहले मैं कुछ basic questions लेना चाहता हूँ. और वो क्वेश्चन को मैं इनफैक्ट दिखाऊंगा भी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ आई कैन शेयर माई स्क्रीन. एक्चुअली देर इज अ न्यू प्लेटफॉर्म आई जस्ट ज्वाइन विच इज स्ट्रीम यार्ड. दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज दिस. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी. ओके, शेयर स्क्रीन. ओके, देर इज ऑप्शन. मीन वेल यू फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन. अदरवाइज आई कैन शेयर फ्यू screen where I will be showcasing few important information about CISM. okay, I will walk you through from isaka.org website where I will log in to my own profile, and there you will see the exact thing. Okay, I'm sharing my screen. Okay, hope let me know if you are able to see. I am sharing my profile after logging into isaka.org. hope you guys are able to see. Let me also try to see on mobile. Just give me a sec. Okay, so I think is very much visible and you are able to see now. Okay, nice. So the very first thing which I want to show you, okay, so this is the login profile of Isaka website, where I went to credentials and there I clicked any of this logo. If I click on CISM, even then it will showcase all the certificate details. I want to show this because there are certain information which I want to share with you. कुछ information है जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है. That's why मैं इस पेज को दिखाना चाह रहा था. यहाँ पे देखिए सारे सर्टिफिकेट जो इसाका के इम्पोर्टेंट हैं, वो उसका डिटेल आपको मिलेगा. फॉर एग्जांपल CISA, CRISC, CISM एंड CGET और CSXP, CDPSE, ITCA और CEAT. ठीक है, यहाँ पे आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू सर्टिफिकेट. दिस इज वन ऑफ द सर्टिफिकेट, CDPSE सर्टिफाइड डेटा प्राइवेसी सोल्यूशन इंजीनियर. आई गॉट सर्टिफिकेशन इन दिस वन एज वेल एज इन CISM. अभी यहाँ मैं यहीं से शुरू करता हूँ. कुछ लोगों का डाउट रहता है कि इनफैक्ट अभी आई गॉट मल्टीपल कॉल्स इन लास्ट वन वीक, और उसमें बहुत लोगों ने पूछा मेरे को CISA करना चाहिए या CISM करना चाहिए या CRISC करना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को रिस्क में इंटरेस्टेड है तो वाई डोंट आई गो फॉर CRISC. कुछ लोग बोलते हैं मैं 15 साल से मैनेजर हूँ एंड आई वॉन्ट टू स्विच माई प्रोफाइल एंड दैट इज़ वाई शैल आई गो फॉर CISM और वॉट, और इफ देर एनी अदर सर्टिफिकेट लाइक गवर्नेंस का है तो शैल आई गो फॉर सर्टिफाइड इन गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज CGET. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, मेरा बेसिक अप्रोच यही रहता है, किसी भी सर्टिफिकेट में आपको अगर पढ़ाई करनी है और यू वॉन्ट टू गेट सर्टिफाइड, द बेसिक थिंग इज पहले आप ये समझिए कि आपका करेंट एक्सपोजर किस डोमेन में ज़्यादा है. ठीक है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में है, मेजरली आपका काम रिस्क मैनेजमेंट में है, या इनफैक्ट आप, मैं ये एक स्टेप पीछे भी जाता हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी में है भी नहीं, बट इवन देन आपका जो एक्सपोजर है वो मैनेजमेंट में है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी मैनेजमेंट के कोर्स में जाइए, जैसे CISM है. या अगर आपको फ्यूचर में एक ऐसे पोजीशन पे जाना है विच इज़ इक्विवेलेंट टू CISO और गवर्नेंस लेवल, देन वहाँ पे CISM इज़ द राइट सर्टिफिकेट फॉर यू. अब
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई लोगों ने पूछा कि उनका साइबर सिक्योरिटी में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर क्या करें वो? तो उसका आंसर ये है कि अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इवन देन यू कैन गो फॉर दिस सर्टिफिकेट, बिकॉज आप जब कभी भी एग्ज़ाम पास करेंगे ना, उस दिन से आपका काउंटडाउन शुरू होगा टिल 5 ईयर्स, जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में काम करके आपको एक डिजिटल फॉर्म भरना रहता है। उस फॉर्म में यू नीड टू मेंशन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 4 डोमेन में, जो आपके इसमें सीसम में जो 4 डोमेन होते हैं, विच इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, देन प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन डोमेन 3, एंड डोमेन 4 इज इंसिडेंट मैनेजमेंट। इन चारों डोमेन में आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको अर्न करना रहता है, एंड बेस्ड ऑन दैट अर्निंग यू कैन से कि ओके आई गॉट योर ओके आई गॉट मल्टीपल क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट गो वन बाय वन। ओके सो लेट मी क्विकली गो। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर राजेश वर्मा, विच सर्टिफिकेट इज यूजफुल फॉर सिक्योरिटी? सी इफ यू इफ अगर आपको सर्टिफिकेट कोई भी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, आई वुड से गो विथ CISM। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वाई नॉट CISSP और एनी अदर सर्टिफिकेट? सी यहाँ पे मैं जो बेसिक लॉजिक लगा रहा हूँ ना, वाई सजेस्टिंग यू विथ सर्टिफिकेट इट इज गुड। सी यहाँ पे सीसम में अगर आपका कोई भी साइबर सिक्योरिटी का बैकग्राउंड नहीं है, इवन देन आप अगर मेहनत करेंगे यू कैन ईजली क्रैक, नॉट ईजली बट एटलीस्ट देर आर गुड चांसेस यू कैन क्रैक द CISM एग्जाम। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर सर्टिफिकेट, बट सीसम इज समथिंग विच यू कैन गो फॉर द सर्टिफिकेट इवन इफ यू हैव ए मिनिमम और नो नॉलेज। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस आपका नहीं भी है, इवन देन आप सीसम का सर्टिफिकेट क्लियर कर सकते हैं, एंड सो आई वुड से गो फॉर CISM। नाउ वाई नॉट CISSP? सी CISSP की अगर आप बुक पढ़ेंगे, अगर आपके पास हो, नहीं तो आप अगर कहीं से रेफरेंस लेके पढ़ेंगे भी ना, तो उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर के शुरू होने से पहले ही एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इट विल बी हेल्पफुल इफ़ यू हैव फ्यू सर्टिफिकेट अर्लियर विच इंक्लूड CISM, CISA, CCSK लाइक दैट, और ISO 27001:2013 LA, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट उन्होंने रिकमेंड किए हैं, जो वो चाहते हैं कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, देन दिस सर्टिफिकेट विल हेल्पफुल टू क्रैक द एग्जाम। सो दैट इज़ वाई आई वुड से इफ यू हैव ए चॉइस बिटवीन CISM और CISSP, गो फॉर CISM फर्स्ट एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CISSP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर हमद शाह, सर इफ वी आर इन नेटवर्क एंड स्टिल हैव नॉट इन्फोसेक जॉब येट, देन वॉट? ओके अगर आपका नेटवर्किंग में एक्सपीरियंस है, सो वन थिंग इज फॉर श्योर मिस्टर शाह, आपका CISSP तो अच्छे से निकल सकता है, बिकॉज CISSP में इट रिक्वायर टू हैव सर्टेन नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग साइड एज वेल। CISM की प्रिपरेशन में आपका नेटवर्किंग का नॉलेज उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि ये हाई लेवल एग्जाम है, इसमें डिटेल नहीं मांगते, और नेटवर्किंग का तो आई डिडंट फाइंड बहुत डिटेल में कहीं पे भी इन्होंने पूछा भी है। सो बेटर है कि अगर आपके पास वो नॉलेज है, देन इस वेरी गुड, वो आपको हेल्प करेगा, बट आपको उतना भी हेल्प नहीं करेगा कि आपको एग्ज़ाम ईजी करे, नो, उतना भी हेल्प नहीं करेगा। आपका वो नॉलेज इंटरव्यू क्रैक करने में आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा, जब भी आप कभी अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड नेटवर्किंग का इसमें ज़्यादा नहीं होता है, इसमें मेजरली स्ट्रेटजी पे फोकस रहता है, गवर्नेंस पे फोकस रहता है, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस रहता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट पे फोकस रहता है। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। इसमें देखिए 4 डोमेन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, देन दिस इज मेजरली इनटू द हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द थिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस उस प्रोग्राम को डेवलप करता है, मैनेज करता है, और नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें है प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, जिसमें वो एग्जीक्यूशन के बारे में बताएगा। और थर्ड है आपका, एक्चुअली इन्होंने उल्टा लिख दिया, थर्ड ये वाला है रिस्क मैनेजमेंट, एंड चौथा है इंसिडेंट मैनेजमेंट। दिस इज लास्ट चैप्टर।
इसमें ये लोग चार डोमेन में वो यही बताते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द गवर्नेंस पार्ट, रिस्क पार्ट, एग्जीक्यूशन एंड इंसिडेंट अगर होता है तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। सो इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है, प्लान में व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑन द फर्स्ट, देन व्हाट, वो सारी चीज़ें इंसिडेंट मैनेजमेंट इसी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इज समथिंग जो आपको जब पढ़ेंगे ना देन यू विल बी थिंकिंग यू आर एबल टू रिलेट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इज समथिंग जहाँ पे एग्जीक्यूशन इज समथिंग जो आपको आपको ऐसा लगेगा कि ये एग्जीक्यूशन पार्ट इज समथिंग विच इज़ लैगिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हम लोग को उतना डिटेल नहीं पता होता है अपने लेवल पे, बट इन बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन के क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है वो हम लोग को धीमे धीमे पता चलती है। तो जब आप प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट डोमेन टू पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एग्जीक्यूशन इज समथिंग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है प्रॉपर, एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन जस्ट चेक विथ योर सीनियर मैनेजमेंट एंड ट्राई टू ऐड सम वैल्यू। थर्ड डोमेन है रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिस्क हैं वो आइडेंटिफाई करने में आपका व्हाट इज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर के साथ, एप्लीकेशन मैनेजमेंट के साथ, इंटरनल टीम के साथ, और वो आपको हेल्प करेगा टू मैनेज टू आइडेंटिफाई, इवेलुएट एंड मैनेज द रिस्क और फाइनली क्लोजर ऑफ द रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट का एक ही पर्पज रहता है कि वट एवर द रिस्क वी हैव आइडेंटिफाइड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ टू फॉल अंडर एक्सेप्टेबल रिस्क, एक्सेप्टेबल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन उस रिस्क को हैंडल कर पाए, उस रिस्क को टॉलरेट कर पाए। कभी भी ये टारगेट नहीं होता है कि रिस्क हम पूरा ख़त्म कर देंगे, नहीं, दैट इज़ नेवर बी ए टारगेट। वो हमेशा इतना रहता है कि वो हमारे एक्सेप्टेबल लेवल में आ जाए, ठीक है। और इंसिडेंट मैनेजमेंट में अगर कोई इंसिडेंट हैपन, डिजास्टर हैपन हो जाता है, देन वॉट आर द स्टेप्स वी शुड टेक टू इंश्योर दैट कि वो इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, जो हुआ है तो उसमें वॉट आर द वेरी फर्स्ट थिंग वी शुड डू एंड देन वॉट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द रिपरकशंस और हाउ वी कैन यू नो व्हाट इज ए हाउ वी कैन प्रोएक्टिवली इंश्योर दैट दिस काइंड ऑफ इफ अगर कोई इंसिडेंट हुआ भी है तो वो हमारे इंटरनल नेटवर्क में ज़्यादा ट्रैवल ना कर पाए, जिसे कहते हैं पैरेलल मूवमेंट ना होने पाए। सो व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू एज ए पार्ट ऑफ डूइंग द आइसोलेशन ऑफ एनी एसेट और एप्लीकेशन और एनी सिस्टम, वो सारी चीज़ें करनी। कई बार हम लोग आइसोलेट करने से पहले देर आर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग को टेक केयर करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप आइसोलेट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे टेम्परेरी मेमोरी है वो उसका डेटा भी अपने को टेक केयर करना रहता है। प्लस जो उसमें जो भी डेटा है, वाइल अगर हम लोग फटाफट पावर ऑफ कर देंगे आइसोलेट करने के चक्कर में, तो मे बी एक तो टेम्परेरी मेमोरी जाएगी और अगर सिस्टम भी क्रैश हो गया तो आपका जो आपका एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में जो डेटा है वो भी लॉस हो सकता है। सो उसका प्रॉपर तरीका होता है वो फॉलो करते हुए आपको, आपका अगर सिस्टम का कभी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहाँ पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर में आ सर्टेन क्वेश्चंस, और अगर उस केस में आपके पास आंसर नहीं हुआ सो दैट विल बी ए बिग इशू फॉर यू। सो बेटर है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान प्रॉपर होना चाहिए, दैट शुड बी इन प्लेस सो दैट यू कैन फेस द लीगल लाइबिलिटीज इफ इन केस एनी। मैंने डोमेन वन को जब मैं पढ़ा रहा था तो अगर आपको याद होगा मैंने उसमें एक क्वेश्चन एक जगह मैंने बताया था कि जब कभी भी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, उसमें मैंने ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाया था। आप नेट पे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं 16th एडिशन CISM, ऐसा आप सर्च करेंगे CISM 16th एडिशन, यू विल फाइंड माई वीडियोज। और वहाँ पे आई हैव मेंशन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का एक ये है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस है बट एक इम्पॉर्टेंस ये है कि जब कभी भी लीगल लाइबिलिटीज़ आती है अपने ऊपर मतलब बीइंग ए कंसल्टेंट, बीइंग ए मैनेजर, बीइंग ए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, जब कभी भी अपने पे कोई लाइबिलिटीज़ आती है तो करेक्ट इंफॉर्मेशन और व्हाट इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच हेल्प अस टू फेस दिस काइंड ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट वॉज द पॉइंट आई एम सेइंग, अगर आपके पास नहीं भी है नॉलेज,
नहीं भी एक्सपीरियंस दैट्स फाइन, यू कैन गो एट फॉर सीसम, आपके पास सफिशियंट टाइम मिलेगा। मैं नेक्स्ट सेशन में आई विल जस्ट नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स जो मेरे को बात करते करते अभी याद आया। आई मे शो यू दिस थिंग द एक्चुअल डिजिटल फॉर्म सो दैट आपको उसका भी आइडिया लगेगा। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन Q&A सेशन ऑन वीकली बेसिस। प्लीज टेल मी इन वॉट डेट और विच डे और वॉट टाइम यू वॉन्ट मी टू डू दिस, आप एक सजेस्ट करिए। सो बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स कॉमन अवेलेबिलिटी आई विल ट्राई टू डू दिस ऑन एवरी वीक। ठीक है, तो एक टाइम आप सजेस्ट कर सकते हैं प्लीज, अदरवाइज आई विल डू बेस्ड ऑन माई बेस्ट अवेलेबिलिटी। ओके, मिस्टर राजेश वर्मा के क्वेश्चन है, काफ़ी देर पहले कहते हैं आई एम जस्ट टेकिंग, माई एक्सपीरियंस इज 20+ years एंड इन टू प्रोग्राम एंड डिलीवरी, आई एम सर्टिफाइड PMP CSM, ओके, एंड कम फ्रॉम डेवलपमेंट बैकग्राउंड। ओके, दैट्स फाइन राज जी, साउंड्स वेरी गुड कि आपने PMP सर्टिफिकेट आपके पास है। ठीक है, PMP का सर्टिफिकेट होने का एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज बताता हूँ मैं। देखिए, PMP सर्टिफाइड होने का एक एडवांटेज ये है कि आपको पढ़ाई करने में जो स्ट्रगल होगा CISM में, वो आप ऑलरेडी फेस कर चुके हैं एक बार। ठीक है, सो अगर मैं ये बोलूँ कि प्रिपरेशन कैसे करना है वो आपको पता है, आपको बस अपना डोमेन चेंज करना है फ्रॉम PMP टू साइबर सिक्योरिटी। आपको PMP के सर्टिफिकेट से जो भी आपने डोमेन उसमें कवर किए हैं, चाहे वो HR का था हो, चाहे वो प्रोक्योरमेंट का था, प्रोक्योरमेंट का रहा हो, वो आपको यहाँ पे उतना हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जो फोकस चाहिए होता है, पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, या आपको जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, जिस इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वो सब आपके पास ऑलरेडी है क्योंकि आपने ऑलरेडी PMP के करते समय वो सब आपने फेस किया है। तो वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आपको काम आएगा CISM की प्रिपरेशन में। PMP के कोई भी क्वेश्चंस या उसका नॉलेज आपको CISM में हेल्प नहीं करेगा। CISM इज एब्सोल्यूट डिफरेंट डोमेन टुगेदर इफ यू कंपेयर विद PMP। PMP का थॉट प्रोसेस और CISM का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट जैसे आपने PMP में भी, आई एम श्योर आपने ये जरूर किया होगा कि यू स्टार्ट थिंकिंग बेस्ड ऑन द PMBOK में जैसा बताया गया है आपने उसको फॉलो किया होगा, या फिर रीता मुलेची जो बुक है PMP की, उसमें जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया है आपने वो ट्राई किया होगा। आपने कभी ये ट्राई करने का ट्राई नहीं किया होगा कि आई मीन दिस इज माई वे टू हैंडल सिचुएशन एंड दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप वो थॉट प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत हो, बट वो आपका हमेशा काम नहीं करेगा वो। ठीक है, सो बेटर है कि आप हमेशा ये करिए कि जो PMP का थॉट प्रोसेस है, जो आपकी वो स्ट्रेटजी थी, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पास ऑलरेडी है। सो उसका जो आपका टाइम टेबल था वो आप एक बार फिर से ट्राई करिए और उसको अप्लाई करने का कोशिश करिए। आई एम श्योर आपका वो स्ट्रेटजी काम करेगा। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू इन क्रिएशन ऑफ योर स्ट्रेटजी। ओके, बोथ बुक आई रीड। किस बुक की बात कर रहे हैं आप, PMBOK और रीता मुलेची की बात कर रहे हैं? अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर दोनों ही बुक पढ़नी जरूरी होती है। PMBOK इज़ द बाइबिल, वो आपको पढ़ना ही है, एंड रीता मुलेची इज़ समथिंग जो आपको हेल्प करता है क्वेश्चन को समझने में और डिटेल में जानने में इन ईजी वे। रीता मुलेची इज मच ईजियर बुक देन PMBOK। आई ऑल्सो वेंट थ्रू दिस PMP ट्रेनिंग, सो आई हैव सम आइडिया ऑन दिस। बट इसके अलावा अगर आप CISM की बुक की बात करते हैं, देखिए CISM में आपको, मैं एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहा हूँ जिसको मैं रिलेट करूँगा अपने अगले क्वेश्चन से। और ओके राजेश जी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, सो PMBOK में, सॉरी आई एम सो सॉरी, CISM रिव्यू मैनुअल में देखिए इसाका खुद क्लेम करता है, अगर आप इस बुक की शुरुआत में ही पढ़ेंगे, मतलब बुक को पढ़ने में ना आप पब्लिशर्स तक पढ़िएगा, एक्नॉलेजमेंट जो उन्होंने दिया वो तक पढ़िएगा। इनफैक्ट मैं भी कुछ एक्नॉलेजमेंट जिन लोग ने बुक को रिव्यू किया, एक्सपर्ट रिव्यूअर, उनसे मेरे मिलने का चांस हुआ था। सो वो जो रिव्यूअर होते हैं ना, उनके पास एक साल का टाइम होता है टू रिव्यू एनी बुक। सोचिए
उसको डेवलप करने में जो टाइम लगा उसके बाद एक साल का टाइम मिलता है रिव्यूअर को, जो एक्सपर्ट रिव्यूअर होते हैं उनको रिव्यू करने में, टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनीथिंग दे कैन ऐड मॉडिफाई और एनी करेक्शंस। एक साल तक वो बुक रिव्यू करते हैं। तो सोचिए कोई भी नया एडिशन आता है उसमें कितनी ज्यादा मेहनत होती है, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू टेक इज प्लीज रीड माय प्रीवियस कमेंट एंड गाइड मी। राजेश जी आप किस कमेंट की बात कर रहे हैं? बोथ बुक की बात कर रहे हैं? एंड आई गॉट एडिशन 15 एंड 16। ओके आपका फ्राइडे सैटरडे संडे सेम टाइम। ओके राजेश जी के दो क्वेश्चन, एक ओके okay, एक हमद मिस्टर अहमद शाह का भी क्वेश्चन है, एक राजेश वर्मा जी क्वेश्चन है। ओके राजेश वर्मा जी चाहते हैं रिगार्डिंग 15th and 16th एडिशन बोथ शुड आई रीड। मैं जहाँ तक समझा हूँ राजेश जी आप ये पूछ रहे हैं कि एडिशन 15th और एडिशन 16th क्या बोथ पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्यूट नो, बिग नो। आपको केवल एक बुक पढ़नी है और वो है CISM रिव्यू मैनुअल 16th एडिशन, और वो बुक मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने सारे वीडियोज में। मैंने तक 3 वीडियो बना चुका हूँ और एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखा भी दूँ। एक वीडियो मैंने लाइव बनाया था और 2 वीडियो मेरे प्री रिकॉर्डेड थे, ठीक है। जस्ट गिव मी सेक, मैं एक बार वो वीडियो दिखा भी देता हूँ, लोड हो रहा है। आपको केवल एक बुक पढ़नी है CISM रिव्यू मैनुअल, और वो बुक आपको कम से कम 1.5 से 2 बार पढ़नी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? पहली बार जब आप वो बुक पढ़ेंगे ना, सो आपको वो बुक पढ़ने में बहुत बोरिंग लगेगी बिकॉज मेनी थिंग्स आर रिपीटेड, ठीक है। देखिए मैं आपको अपना YouTube चैनल ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। ओके बाय द वे ये आप कुछ देखिए, मैं कम्युनिटी सेक्शन में कुछ ये भी डालता हूँ, क्वेश्चंस आई मीन वर्ड्स डालता हूँ, इसको भी आप लोग अगर चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि आप पार्टिसिपेट करिए बिकॉज इसमें कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ एंड यू विल फाइंड इंटरेस्टेड, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा, आपको करना कुछ नहीं है, आपको YouTube पे जाना है और शैलेंद्र श्रीवास्तव CISM आपको कल इतना ही सर्च करना है। एंड हियर यू विल फाइंड माई ऑल वीडियोज। देखिए ये एक वीडियो है, अगर आपको दिख रहा हो, दिस इज हाउ टू मेक CISM प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आप अगर इस वीडियो में जाएंगे तो इस वीडियो में मैंने एक एक्सेल शीट भी अटैच करी है, और इस एक्सेल शीट में यू विल फाइंड हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू प्रिपेयर फॉर CISM प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। लेट मी जस्ट स्टॉप दिस वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सेल शीट मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड, आई डोंट नो, थोड़ा नेट स्लो हो गया मेरा, और मैं वीडियो की बात कर रहा था ये वाला। देखिए ये पार्ट 2 है और इसके नीचे आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा। आई डोंट नो, और भी बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, समझिए ऐसा ही लोगो है, थंबनेल है जहाँ पे CISM का पार्ट 1 है, और देर इज ए 1 मोर वीडियो विच कम्स अंडर लाइव, वो भी आपको मिल जाएगा। मैं उसका लिंक इसी वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ से डेटा मिल जाएगा। लेट मी क्विकली आंसर। ओके हमिद जी आपका भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ व्हाट्सएप का। देखिए ओके सो क्वेश्चन वॉज इफ आई रिक्वायर टू टेक CISM रिव्यू मैनुअल 16 और 15। इसका पहले मैं आंसर देता हूँ, आपको केवल CISM रिव्यू मैनुअल 16 एडिशन ही पढ़ना है और वो आपको परचेज करके पढ़ना है। देखिए मैंने ये बुक भी एक बार आपको बता देता हूँ कितने का पड़ेगा। देखिए एग्ज़ाम प्रेप मटेरियल में आप जाएंगे ना, तो देखिए आपको यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ई बुक आपको नहीं देखना है बिकॉज देर इज़ लिमिटेशन ऑन ई बुक फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो वो आप, और आपको हमेशा सॉफ्ट कॉपी में ही पढ़ना रहेगा, तो विच आई वोंट रिकमेंड कि आप सॉफ्ट कॉपी पढ़िए। आपको
हमेशा मैनुअल हार्ड बुक में पढ़ना है, और इफ़ आई क्लिक हियर तो ये पेज ऐसे खुल जाता है। आप अगर मेंबर हैं तो देन इट कॉस्ट $109, अदरवाइज इट विल कॉस्ट $139। आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप लेने के बाद आपको दो फायदे होंगे, पहला तो आपको बुक भी सस्ता मिलेगा, और दूसरा आपको जब आप एग्ज़ाम बुक करेंगे तो एग्ज़ाम का प्राइस भी आपको कुछ डॉलर सस्ता मिलता है, तो आपका डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, इससे अराउंड $30 डिफरेंस। सो आई वुड से आप मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। मेंबरशिप जब आप लेंगे तो देन यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड टू ऑर्डर, और ऐड टू ऑर्डर पे आप जब करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में आपको आपका एड्रेस दिखाई देगा और आपको प्लेस ऑर्डर करना रहेगा। जब आप प्लेस ऑर्डर करेंगे सो उसमें देखिए आपको एक नोटपैड, एक मिनट रुकिए, एक मैंने नोटपैड पे डिटेल लिखा हुआ है, बिकॉज नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे मेरा एड्रेस वगैरह भी सब दिखाई देगा। सो अभी आई डू नॉट वॉन्ट टू शोकेस ऑल दिस थिंग्स, सो मैं आपको एक सेकेंड रुकिए, स्लाइड्स जस्ट सेकेंड, आई एम जस्ट स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन एंड आई वॉन्ट टू शो यू वन नोट पैड जहाँ पे मैंने डिटेल डाला है। ओके, ये आपको नोट पैड दिखाई दे रहा होगा, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ऐसे दिखाई देगा, UPS वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस सर्विस एक्सप्रेस सेवर, जिसका कॉस्ट है $54.72, ठीक है। तो आपका एक्चुअल आइटम जो अभी हमने देखा था $109 है, उसके ऊपर $54 आपको और पे करना है, तो ये आपका टोटल अमाउंट बनेगा आपका एग्ज़ाम का, सॉरी बुक का, जो कि आपका हो जाएगा जस्ट सेकेंड, और ये कैलकुलेशन कर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आपका कितना टोटल कॉस्ट आएगा इन इंडियन रुपीस, 109 + 54.72 विच कम्स 163.72, ठीक है। अभी मैं एक मिनट फिर से स्टॉप कर रहा हूँ एंड आई विल शेयर द क्रोम ब्राउजर, जस्ट गिव मी सेक। ओके, सो आई एम शेयरिंग जस्ट सेकेंड, जस्ट गिव मी सेक, विंडो, ओके। सो द एक्चुअल टोटल आपको आ रहा था 163.72, देखिए 109 आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है फॉर मेंबर प्राइस, ओके, विच इज 109, एंड देन 54.72 इज UPS डिलीवरी ऑर्डर, सो विच कम 163.72। अब अगर मैं exe.com पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 163.72, और इसको मैं INR में कन्वर्ट करता हूँ, सो दैट विल कम्स अराउंड आई थिंक $82 चल रहा है अभी यहाँ पे, 13,583 रुपीज़ 0.11 पैसा। सो फ्रेंड्स, जो भी इंडिया में है दे नीड टू पे 13,583 रुपीज़ फॉर दिस बुक, एंड दे विल डिलीवर इन लेट्स से, जब मैंने मंगाया था तो इट विल टेक अराउंड 15 डेज, वो बोलते हैं 30 डेज, बट वो बहुत जल्दी आ जाता है, UPS का सर्विस बहुत फास्ट है, ठीक है। सो 13,000 आप ये समझिए अराउंड 14,000 आपको पे करना रहेगा फॉर दिस बुक ओनली, एंड वन थिंग इज फॉर श्योर, देखिए मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा इस बुक को मंगाने के बाद। हाँ, ये बात अलग है कि जब मैंने मंगाया था तो उस टाइम पे बुक का क्वालिटी इतना अच्छा था, इनफैक्ट मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, आप कैमरे में देखिए मेरे सामने ये बुक ओपन है, ये बुक अभी भी वैसी ही है जब मैंने मंगाई, दिस इज द एक्चुअल फिजिकल बुक जो मैंने मंगाया था, सियाचिन रिव्यू मैंने, दिस इज द 15th एडिशन बुक, और इसका क्वालिटी इतना अच्छा लगा मेरे को कि ये पूरी ब्लैंक है, आप देखिए इसमें मैंने एक लाइन भी कहीं पे भी नहीं लिखा है, आप अगर देख सकते हैं पूरी फ्रेश बुक है। और इसको मैंने कहीं पे भी नहीं, और इसका मैंने जीरोक्स निकाला था,
और उस जीरोक्स पे मैंने पढ़ाई करी थी, बिकॉज इस बुक को मैं खराब करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। खराब इन द सेंस कि इस पे मार्कर वगैरह लगा के मैं नहीं चाहता था कि इस बुक को कुछ भी थोड़ा सा भी खराब हो, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी कॉस्टली। एंड सेकेंड थिंग इज एक तो कॉस्टली भी था, दूसरा इसका जो क्वालिटी था वो भी बहुत अच्छा था। तो मैंने इसका जीरोक्स निकाला था एंड देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई डोंट नो ये करना भी चाहिए, जीरोक्स निकालना अलाउ है कि नहीं है, बट मैंने वो अपने लिए किया था, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। दैट वॉज ओनली रिलेटेड विथ मी ओनली। Somebody is calling me back to back. Okay. तो ये हो गया बुक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बुक खरीदना चाहिए और क्यों नहीं खरीदना चाहिए। सी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं एंड मेरे लिंक से मेरे को ये इसका ई बुक मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। सो वाई शुड, तो मैं क्यों ना खरीदूँ, वाई शुड आई परचेज, जब मेरे को कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो मैं क्यों परचेज करूँ, राइट? यही क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। सी, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आपको बुक परचेज करना ही पड़ेगा, आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि देखिए, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आप जब इन्वेस्ट करेंगे सो दैट विल हेल्प यू टू गिव सम सिंसियरिटी कि यार मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। आपका फोकस बनाने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, आई थिंक जस्ट नो, मेंबर इज वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग, दिस इज फॉर दिसंबर टू दिसंबर। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, अभी आपने पॉइंट छेड़ दिया है तो मैं आपको राजेश जी अपना ही दिखाता हूँ। अपना मैंने लॉग इन करके ये सब मैंने रखा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको अपना ही पोर्टल दिखाता हूँ। मेंबरशिप पे मैं जाता हूँ और इनफैक्ट मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि कितना फीस लगता है, हाउ मेनी पेजेस। देखिए, 16th एडिशन जो मेरे पास है उसमें 348 पेजेस हैं, और ये जो मेरे पास 15th एडिशन है इसमें 285 पेजेस हैं, लेकिन आपके मतलब के 225 पेजेस ही हैं, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। बिकॉज इसमें शुरू के जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी, शुरू के जो पेजेस हैं जिसमें इंट्रोडक्शन और बेसिक इंडेक्स वगैरह हैं, वो सब मैं हटा देता हूँ। तो आउट ऑफ 285 वी हैव ओनली 225 पेजेस, तो 225 पेज ही आपको पढ़ने हैं। सिमिलरली, अगर मैं CISM रिव्यू मैंने 16th एडिशन की बात करता हूँ, तो 348 में से आप समझिए 20 पेज हटा दीजिए, 20-30 पेज हटा दीजिए, तो 320 पेजेस के आसपास आपको पढ़ने हैं। मतलब 225 से 320 पेजेस आपके लगभग बढ़ गए हैं। अब देखिए, ये मेरा पेज आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए मेरे को अभी दिसंबर आने वाला है। अगर आपने आज भी इसका पेमेंट किया तो दिसंबर के बाद तो वो एप्लीकेबल होगा केवल दिसंबर तक, ठीक है? अब देखिए, दिसंबर तक आने वाला है, अब मेरे को CISM को रिन्यू करने के लिए $45 पे करना है। CDPSE का भी मेरा एप्लीकेबल है 2022 तक, 31 दिसंबर तक, तो मेरे को उसके लिए $45 पे करना है। और फिर मेरे को $135 पे करना है फॉर मेंबरशिप रिन्यूअल, ठीक है, जो एक साल के लिए रहेगा। और इसके बाद मेरे को $30 पे करना रहता है अगर मैं मुंबई चैप्टर को अपना चैप्टर, मतलब मुंबई चैप्टर में चूज़ करना चाहता हूँ तो। एंड दिस कॉस्ट अराउंड $225 इन होल। सो दिस इज समथिंग, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है? इसमें मेरा कुछ ऐसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक मेरा ईमेल आईडी ही दिख रहा है, दिस इज माई ईमेल आईडी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को हर साल $255 पे करना रहता है टू रिन्यू माई मेम्बरशिप, विच मेम्बरशिप एज वेल एज रिन्यू माई बोथ सर्टिफिकेट्स। मैं चाहे जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लियर करते जाऊँ, हर सर्टिफिकेट में मेरे को $45 उस सर्टिफिकेट को मेंटेन करने के लिए देना पड़ेगा। एज सून एज आई प्रेस रिन्यू नाउ, आई नीड टू पे $255, ठीक है? तो ये $255 मेरे को दिसंबर तक पे करना ही करना है, ठीक है? होपफुली दिस विल आंसर योर बोथ क्वेश्चन, मिस्टर राजेश। मिस्टर शाह ने बोला है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँ सो दैट वी कैन शेयर नॉलेज एंड क्वेश्चन। देखिए मिस्टर शाह, मैंने पहले भी कई बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए,
बट द प्रॉब्लम विद व्हाट्सएप ग्रुप इज वहाँ पे नंबर सबके दिखते हैं, और सबके नंबर दिखने का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो फिर लोगों की प्राइवेसी भी इम्पैक्ट करती है। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टेलीग्राम ग्रुप सर्च किया, टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक आपको अभी शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं CISM इन्फो सिक्योरिटी चैलेंज, आप अगर ये सर्च करेंगे तो आपको मिल जाना चाहिए, और इसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपका टेलीग्राम ग्रुप है तो आई विल ऑल्सो ऐड यू, आई हैव योर नंबर, ठीक है, और वहाँ पे यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस, काफ़ी सारे लोग हैं जो हो सकता है मेरे रिप्लाई करने से पहले ही दे विल हेल्प यू, ठीक है। सो दैट वॉज वन ऑफ द आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिन्यूइंग सर्टिफिकेट अलोन, एवरी ईयर आपको करना रहता है। देखिए यहाँ पे भी मेरा मेंबरशिप टिल 31 December 2022 तक है, अभी मैं रिन्यू करूँगा तो यहाँ पे देखा वैलिड टिल 31 December 2023, मेरे को हर साल इसको रिन्यू करना है, और हर साल आई नीड टू पे $255, ठीक है। राजेश जी आप यही पूछना चाह रहे थे क्या? ओके, आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग कमेंट पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी इंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग ऑल योर क्वेश्चंस, और आई गॉट योर वन ऑफ द क्वेरी मिस्टर शाह, फ्राइडे सैटरडे संडे सेम टाइम, ओके। सो तीनों दिन मैं ये लाइव सेशन रखूँ और केवल फ्राइडे सैटरडे संडे रखूँ, वो भी एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे तो आई एम श्योर। अच्छा देखिए यहाँ पे रिन्यूअल आर नाउ ओपन, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चेक योर इसाका माई इसाका अकाउंट टू व्यू इनवॉइसिंग एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो आई थिंक वो ये इसी की बात कर रहा है। एक बार मैं इस पर जाऊँगा, रिन्यू करूँगा, देन वो बाकी इन्फॉर्मेशन आने लगेगी, एंड आई जस्ट टू पे ऑल दिस डिटेल्स। और ये हमेशा डॉलर्स में आता है, ये INR में नहीं आता है। सो द प्रॉब्लम इज जब कभी मैं इसका पेमेंट करता हूँ तो ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगता है, मेरे को याद नहीं कितना लगता है, बट देर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन चार्जेस जो कन्वर्ट करता है डॉलर को INR में। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मैं करता हूँ तो क्रेडिट कार्ड से उसका भी चार्ज लगता है, सो वो एक एडिशनल रहता है, आई डोंट नो, $2-3 लगता होगा। सो दैट कॉस्ट अराउंड 257-258 के आसपास लगता है। जो लोग आउटसाइड इंडिया हैं उनके लिए ईजी रहेगा, जैसे मिस्टर शाह के लिए जो नॉर्वे से हैं, आई डोंट नो आपका कितना लगेगा, एक बार आप देख के बताइएगा, आपकी करेंसी के हिसाब से होगा। आई मीन वन डे ऑफ दिस डे, नॉट 3 days, ओके ओके, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, फ्राइडे की इवनिंग करें क्या, और सैटरडे, ठीक है, फ्राइडे की इवनिंग में आई थिंक सब लोग रिलैक्स करना चाहते होंगे हफ्ते भर का, सो लेट्स डू इट ऑन सैटरडे इवनिंग। संडे को भी हम लोग आराम करते हैं, मंडे को ऑफिस जाना रहेगा, एंड फ्राइडे को सब लोग हफ्ते भर की थकान में रहेंगे, सो फ्राइडे को भी ठीक रहेगा, आप लोग रेस्ट करिए। सैटरडे की शाम को सेम टाइम 9 बजे मैं रखता हूँ, ठीक है। एवरी सैटरडे 9 PM वील गो फॉर द लाइव सेशन, और तब तक मेरे 5-6 वीडियो आएंगे ही आएंगे, हर दिन मैं एक वीडियो लाइव, एक वीडियो मैं करूँगा ही जो प्री रिकॉर्डेड रहेगा, उसमें मैं लाइव में नहीं जाऊँगा। लाइव जाऊँगा तो मैं सेशन के लिए जाऊँगा, कोई भी Q&A के लिए नहीं जाऊँगा। ऑलराइट, होपफुली दैट साउंड्स गुड, ठीक है। और एक चीज, व्हाट अबाउट मॉक क्वेश्चन सर, ओके, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। राजेश जी मॉक क्वेश्चन के लिए भी आपको इसाका की जो वेबसाइट है वहाँ से ही खरीदना पड़ेगा। ये देखिए CISM रिव्यू क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन 10th edition, इसमें भी आपको फिजिकल कॉपी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऑनलाइन में एक इनका सिमुलेटर होता है जिसका आपको एक्सेस दे देंगे, और सिमुलेटर में देखिए एक ये भी एडवांटेज होता है कि वो आपका प्रोग्रेस बताता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपने 70% क्वेश्चन सॉल्व किए हों, नेक्स्ट टाइम 80 किया, फिर 90 किया हो, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपने फिर 70 किया हो, तो आपका प्रोग्रेस बताता है। और उसमें सिमुलेटर में आप डोमेन वाइज भी क्वेश्चन दे सकते हैं, और मिक्स ऑफ ऑल 4 domain भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो वो आपका एक एडवांटेज रहता है सिमुलेटर में। तो दोनों ही, और यहाँ पे जो मैनुअल आपको मिलेगा, मैनुअल में दैट इज एब्सोल्यूट हार्ड कॉपी, तो वहाँ पे आपके पास आपका चॉइस है आपको कैसे जाना है। मैंने एक बार अभी जस्ट मैंने क्लिक किया है जस्ट टू सी इन्होंने डिटेल क्या दिया है, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, AT16 edition जब से आया है, एक बार देख लेता हूँ इन्होंने क्या दिया है, आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट आई रिकमेंड आप इसका स्टिमुलेटर लीजिएगा,
सिमुलेटर से ना आपको काफी एक तो लुक एंड फील भी मिलता है, आपको सॉल्व करते समय थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा कि यू आर एक्चुअली गिविंग लाइक एन एग्जाम, ठीक है। सो आप ओके ओके मिस्टर शाह, थैंक यू सो मच। सो सिमुलेटर आई वुड से कि आप लीजिएगा, मैन इसका बुक मत लीजिएगा, ठीक है, दैट इज माई व्यू। अगर आपको बुक से कंफर्टेबल है तो आप बुक भी ले सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बार मैं फटाफट देख लूँ, मैं कोई टॉपिक मिस तो नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लोग पूछते थे कि CISM रिव्यू मैनुअल 15th और 16th एडिशन में क्या फ़र्क है। देखिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है जो पता करने का, आप पहले CISM में जाइए, लर्न मोर में जाइए, और उसके बाद आज ये आई डोंट नो मेरा इंटरनेट स्लो हो गया क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। यहाँ पे देखिए CISM एग्जाम कंटेंट आउटलाइन, इस पर मैंने क्लिक किया। और बाय द वे अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए यही पेज आ रहा है जो मैंने पहले ओपन किया था। CISM रिव्यू मैनुअल 16th एडिशन में कुछ चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द क्वेश्चंस परसेंटेज ऑफ एवरी डोमेन। मेरे पास 15th एडिशन है ये, और मैं इसमें से देख के आपको बताता हूँ कि पहले कितना परसेंटेज था, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये शुरू में ही डोमेन शुरू होने से पहले ही इन्होंने दिया है। ओके, सो डोमेन वन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में मैं आपको एक बार दिखाने का ट्राई करता हूँ। देखिए आपको अगर दिख रहा हूँ, डोमेन वन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में 24% क्वेश्चन आते थे, जो अब हो गए हैं 17%। डोमेन टू इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में पहले क्वेश्चन आते थे 30%, अब हो गए हैं 20%, मतलब लगभग 10% कम हो गए। डोमेन थ्री इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में 15th एडिशन में आते थे 27%, जो अब बढ़ के हो गए हैं 33%। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो थर्ड डोमेन है ना, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। उसको समझने में और उसको फोकस होने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। सो आप अपनी एनर्जी थोड़ा बचा के रखिएगा डोमेन टू को पढ़ने के बाद, ठीक है, आप टायर्ड हो जाएंगे। लेकिन आपको बताऊँ, डोमेन थ्री को पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ने का ढंग पता चल जाएगा, ठीक है। सो आप जब जब आप थर्ड डोमेन पढ़ेंगे विच इज कवरिंग 33%, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी फोकस करने में, क्योंकि आपने डोमेन वन में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ फोकस करने में, समो आपने मैनेज किया, आप डोमेन टू तक आ गए, और डोमेन थ्री तक आते आते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। सो डिस्पाइट ऑफ सेइंग कि जो डोमेन थर्ड है वो कॉम्प्लेक्स है, वो बोरिंग है, वो रिपीटेटेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट वो डोमेन टू का भी ला रहे हैं, डोमेन वन का भी ला रहे हैं। सो आपको इनफैक्ट इस चैप्टर में भी कई जगह ऐसा फील होगा कि ये क्वेश्चन आपने, ये कॉन्सेप्ट तो अभी आपने पढ़ा है 2 मिनट पहले, बट वो फिर आ गया है। माय अंडरस्टैंडिंग इज कि वो ऐसा बार बार इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल वेज, सो दैट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। दैट इज द रीजन वो आपको अलग अलग तरीके से सेम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कराना चाहते हैं, और वही एक रीज़न है कि आपको ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स और बोरिंग लगता है, बट आपको वो कैसे भी करके मैनेज करना है। यू जस्ट फोकस ऑन नंबर ऑफ पेजेस, कैसे भी करके आपको उतने पेजेस ख़त्म करने हैं, ठीक है। सो लास्ट एडिशन 15th एडिशन में 27 था, अभी ये 33 हो गया। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट जो डोमेन 4 है, ये 15th एडिशन में 19% था और अभी ये 30 हो गया। एंड आई बिलीव फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा हुआ है, आपको जो 19% से 30 आया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग डोमेन। ये आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट आप खुद भी रिलेट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में आपको ओके ओके ठीक है, राजेश जी का कमेंट मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए जो इंसिडेंट मैनेजमेंट है ना, ये आप जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि यार ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, इंसिडेंट कोई होता है तो हमारे यहाँ क्या प्रोसेस है। तो आप अपने ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में आप क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे, तो उससे आप रिलेट करेंगे, और आपको जिसकी वजह से आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी
और पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये क्वेश्चन तो इसके वेरी जेन्युइन है एंड इन माय ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं हो रहा है, दैट इज अ गैप. सो दे स्टार्ट टू वर्क ऑन इट. अगर आप इस लेवल तक गए तो बिलीव मी इंसिडेंट मैनेजमेंट आपको सबसे ज्यादा स्कोर ला के देगा. ये बहुत ही इंसिडेंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ये दो टॉपिक ऐसे हैं, ये दो डोमेन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और आप रिलेट करेंगे इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप इस डोमेन में हो चाहे ना हो, बट आप में क्यूरियोसिटी तो आएगी ही आएगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको. ठीक है, सो ये हो गया परसेंटेज वाइज 17, 20, 33, 30 और पहले था 24, 30, 27, 19. ओवरऑल आई वुड से कि अच्छा ही हुआ है रिस्क मैनेजमेंट, बस एक ही गड़बड़ हुआ है थोड़ा, 30 से 20 पे आ गया जो आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा सा ज़्यादा होता ज़्यादा अच्छा रहता या उतना ही रहता. और दूसरा गड़बड़ ये हुआ कि 27 जो कॉम्प्लेक्स बोरिंग टॉपिक है उसमें से परसेंटेज बढ़ा दिए 27 से 33. लेकिन एक काम ये अच्छा हुआ कि जो लास्ट डोमेन था उसमें 19 से 30 कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने गड़बड़ करी है वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करी है. सो ओवरऑल अच्छा हुआ है. राजेश वर्मा जी सिंह, दिस बुक इज ऑल्सो ड्राई लाइक PMBOK. PMBOK भी ड्राई तो थी बट PMBOK पढ़ते पढ़ते जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने जब रीता मुलेची पढ़ता था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था. सो मैं एक टॉपिक उससे पढ़ता था फिर रीता मुलेची पढ़ता था. तो वैसे ही आपको भी एक बुक और रेफरेंस में लेनी है. देखिए आप अगर देखिए मेरे सामने अभी एक पेज आया है जिसमें लिखा हुआ था और यही मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा रहा था कि देखिए इसमें ऐसे लिखा है द मैनुअल इज वन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम एंड शुड नॉट बी थॉट एज द ओनली सोर्स नॉर व्यूड एज ए कम्प्रेहेंसिव कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर टू पास द एग्जाम. मतलब इन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया इस बुक के भरोसे एग्जाम मत देना और ना ही मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये बुक अगर आपने पढ़ ली तो आप एग्जाम पास कर लोगे. ये मैं वही बोल रहा था कि जब PMP का भी जब आप तैयारी करते हैं तो PMBOK और रीता मुलेची या आप कोई और बुक को रिफर करते हैं, वैसे ही जब आप CISM रिव्यू मैनुअल को पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको कोई और बुक पढ़नी ही पड़ेगी. क्यों पढ़नी पड़ेगी? आपको एक थॉट और डेवलप करने के लिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, आपको ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि जो आपने अब तक पढ़ा है यू आर ऑन राइट ट्रैक, आपका थॉट सही है. ठीक है, मैंने भी एक बुक और रिफर करी थी फिल मार्टिन की और बिलीव मी जब मैंने वो बुक पढ़ी थी सो आई वॉज वेरी मच रिलैक्स कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो कंसेप्ट मेरे सब क्लियर हैं. सो दैट इज़ द रीज़न आपको एक बुक और पढ़नी चाहिए. मैंने फिल मार्टिन की पढ़ी थी. आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप फिल मार्टिन ही पढ़ो, आप ऑल इन वन पढ़ सकते हो या आप मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी बुक हैं, आप उसमें से कोई भी पढ़ सकते हो. मोर और लेस कंसेप्ट विल बी कंसेप्ट, चाहे आप 10 बुक पढ़ लो. ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट द रिव्यू मैनुअल. होपफुली आई एम एबल टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चन मिस्टर राजेश वर्मा जी रिगार्डिंग मॉक टेस्ट और रिगार्डिंग कंपेरिजन बिटवीन 15th and 16th. अब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट है जो मैं अपने जो किसी ने पूछा नहीं बट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू. देखिए 16th एडिशन या कोई भी बुक है, 15th हो, अभी 15th तो पढ़नी नहीं है, 16th एडिशन ही पढ़ना है, उसकी पढ़ाई कैसी करनी है मैं आपको अपना प्रैक्टिस बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया है. आपका अपना ओन प्रैक्टिस रहेगा सो यू कैन फॉलो दैट वन एज वेल. देखिए मैं क्या करता था, सबसे पहली चीज़ तो मैं कभी भी कंफर्ट एरिया में नहीं बैठता था. मैं हमेशा वैसी जगह बैठता था जहाँ पे मैं अनईजी फील करूँ. मैं अपनी बालकनी में बैठता था और वो भी मैट डाल के. ठीक है, वो मेरे अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी और वो मैंने इसलिए रखी थी बिकॉज एक तो आपको आलस नहीं आएगा और आपको पढ़ते पढ़ते आप बोर नहीं होगे. दूसरा चीज़ वो आपको ऐसा भी क्वेश्चन देता है और ऐसा भी सिचुएशन देता है कि आप चाहते हैं कि उस सिचुएशन से आप बाहर निकलें. आप चाहते हैं कि आप एक कंफर्ट एरिया में जाएं जहाँ पे आपका एसी चल रहा हो, जहाँ पे आप बेड पे बैठे हो, कंफर्ट एरिया में जाएं. सो आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जितना बैठेंगे ना आपका मन करेगा इस सिचुएशन से बाहर आओ. बट उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको कुछ टास्क करने पड़ेंगे. वो टास्क क्या है? पहले सबसे पहले आप अपने मोबाइल में 15 मिनट के 4 अलार्म लगाइए. या इनफैक्ट एक स्टेप और पीछे जाते हैं, पहले आप बुक का बुक को पहले आप पढ़िए, अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको कितना पढ़ने में मज़ा आ रहा है.
फिर आप मोबाइल में चार अलार्म लगाइए 15-15 मिनट के, ठीक है, और उसके बाद अब आप बुक उठा करके फोकस्ड होके पढ़ना चालू करिए और ये देखिए कि 15 मिनट में आप कितने पेजेस पढ़ लेते हैं। CISM रिव्यू मैनुअल में अगर आप 15 मिनट में 1-2 पेज पढ़ ले रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आपने बस रीड किया है, उसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर आप उस बुक को बंद करके कहीं पे लिख पाएं या अपने घर में किसी को एक्सप्लेन कर पाएं कि आपने क्या पढ़ा है, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने वाइफ को या किसी को आपने क्या पढ़ा है, अगर आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं 60-70%, दैट मीन्स आपने वो पेज अच्छे से पढ़ा है। 100% तो आप नहीं बता पाएंगे, एंड आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं बता पाएंगे, बट एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर पाए आपने अभी पढ़ा क्या था, जस्ट नाउ अभी आपने क्या पढ़ा, ठीक है। सो वो आपको डेटा निकालना है खुद का कि कितनी देर में मैंने कितने पेजेस पढ़े, मतलब 15 मिनट में आपने कितने पेजेस पढ़े। मेरे केस में मैं एक पेज को पढ़ने में 15 मिनट लगाता था, सो 225 पेजेस थे, मैंने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया कि एक डोमेन को कवर करने में मेरा कितना दिन लगेगा। बस अभी वही टारगेट मेरे को सेट कर लिया और मैंने उसको बिल्कुल डेडिकेटली फॉलो किया, एक दिन में कितना पढ़ना है, एक एक हफ्ते में कितना पढ़ना है, और अगर कभी भी वो टारगेट मेरा मिस होता था सो आई नीड टू इंश्योर कि वो टारगेट मेरा फुलफिल हो फॉर श्योर। उसके लिए मैं क्या करता था, उसके लिए चाहे मेरे को ऑफिस से आने के बाद पढ़ना है, चाहे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, मैं वो करता था, बिकॉज मेरे को किसी भी केस में अपना टारगेट अचीव करना रहता था। मैंने 2 घंटा पढ़ता था मैं डेली, ज़्यादातर सुबह पढ़ता था 5-7, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाता था और विद अ पीस ऑफ माइंड कि आज का टारगेट मैंने ख़त्म कर दिया। बट होता क्या था, होता क्या था कि कई बार आपका टारगेट मिस होता है, तो उसको मैं फिर ये नहीं करता था कि मैं ऑफिस में आके पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ऑफिस में उतना फोकस नहीं मिलता था। सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट कि जैसे ही मैं ऑफिस से आता था, मैं चाय पीते पीते वो बुक पढ़ना चालू कर देता था। मेरा टारगेट, मेरे दिमाग में टारगेट घूमता रहता था कि अगर मैंने दो घंटे इन्वेस्ट करने हैं, दैट मीन्स 15 मिनट में एक पेज के हिसाब से मेरे को कम से कम 8 पेजेस आज ख़त्म करने ही करने हैं, अदरवाइज कल ये मेरे ऊपर पाइल अप हो जाएगा और उस केस में मेरे को एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। तो वो 8 पेज का टारगेट मेरा पर डे का रहता ही रहता था और उसके ये स्ट्रेटजी को लिखते हुए मैंने 225 पेजेस अपने ख़त्म किए। सो ये एक पढ़ने की स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी और आई वॉज एबल टू फिनिश इन 45 डेज। आप देखिएगा अपने कैलकुलेशन लगा के, हो सकता है आप मेरे से फास्ट पढ़ पाएँ और होपफुली आप और जल्दी ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। जब ये बुक ख़त्म हो गई थी उसके बाद मैंने फिल मार्टिन बुक पढ़ी थी। राजेश जी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे विच इज़ अदर बुक, अदर बुक जो मैंने रिफ़र करी थी वो फिल मार्टिन थी। यू कैन रिफ़र फिल मार्टिन और यू कैन रिफ़र एनी अदर बुक, लाइक ऑल इन वन भी रहती है, बहुत सारे बुक्स हैं अब तो मार्केट में आ गई हैं, बट आई वुड से ऑल इन वन जो रेड कलर की बुक रहती है, रेड और ब्राउन, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा है, ठीक है। बट मैंने फिल मार्टिन पढ़ी थी, PHILMARTIN, ठीक है, ओके। सो एक एडवांटेज और भी रहता है जब आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। सी जैसे मैंने पहले बताया ये बुक बहुत ही बोरिंग और कॉम्प्लेक्स है और रिपीटेटिव बहुत ज़्यादा है, सो आपका पढ़ते पढ़ते आप फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हो और एग्जॉस्ट होने का एक एडवांटेज ये रहता है कि अब आप पढ़ते पढ़ते आपका आपका कैपेसिटी इतना अच्छा हो जाता है कि जब आप कोई ईजी बुक पढ़ते हो ना तो उसकी स्पीड आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। जैसे आपने 15 मिनट में एक पेज पढ़ा, ये था टफ पेज, बट अब अगर नेक्स्ट पेज आप नेक्स्ट बुक कोई आपके पास आई विच इज़ लेट्स से फिल मार्टिन है, आप उसको बहुत जल्दी पढ़ लोगे। बिलीव मी, मैं 15 मिनट में जिसको एक पेज पढ़ता था, मैं 15 मिनट में फिल मार्टिन का 15-18 पेज पढ़ लेता था और वो बुक मेरे को पता भी नहीं चली मैंने कितनी जल्दी ख़त्म कर दी थी। तो ये एक एडवांटेज है आपका CISM रिव्यू मैनुअल पढ़ने का, ठीक है। यस यस, राजेश वर्मा जी सिंह
फर्स्ट टाइम रीडिंग विल टेक मोर टाइम बट सेकेंड टाइम विल नॉट टेक मच टाइम. यस, कंसीडरिंग आपने फर्स्ट टाइम पढ़ते समय मार्किंग करके रखा हो, आप वर्ड बाय वर्ड मत पढ़िएगा सेकेंड टाइम भी, वरना वो टाइम उतना ही लेगा या उससे ज़्यादा भी ले सकता है. आप फर्स्ट टाइम जो आपको लग रहा है जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, अभी तो आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया तो आपको इम्पॉर्टेंट कैसे पता चलेगा. उसका तरीका ये है कि जब आप 10 से 15 पेजेस पढ़ लें, देन उस पेजेस के बाद यू स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट. सो उसको मॉक टेस्ट देते देते आपको एक कंसेप्ट डेवलप होने लगा कि भाई यार अभी तो मैंने जो टॉपिक पढ़ा है ये क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, या आपके दिमाग में ये भी आने लगेगा कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है मे बी ये टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो दो एडवांटेज आपको मिलेगा जब कभी मॉक टेस्ट, जब कभी भी आप रिविजन करेंगे. ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखिएगा आपने 15 से 20 पेज पढ़ने के बाद यू स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट. और ये सारी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, CSM स्ट्रेटेजी जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया. इनफैक्ट वो प्लान मेरा ही खुद का बनाया हुआ है, वही मैंने भी फॉलो किया था. ठीक है, ओके, आई एम जस्ट चेकिंग मैसेजेस इन द मिड. आज काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा है, सो आई एम एक्चुअली इंजॉइंग. ऑलमोस्ट 1 आवर हो रहा है, 2 मिनट रह गए हैं, उसके बाद 1 घंटा हो जाएगा. बट आई एम हैप्पी टू स्पीक फॉर नेक्स्ट फ्यू मोर आवर, आप अगर ऐसी क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो. आई एम जस्ट फोकसिंग कि मैं जो टॉपिक कवर करना चाह रहा था सारे कवर हुए कि नहीं हुए. सो मैंने डिफरेंस बता दिया, बुक के बारे में बता दिया, बुक के कॉस्ट के बारे में बता दिया, और मेम्बरशिप के बारे में बता दिया. एक बुक है एग्ज़ाम कैंडिडेट गाइड. ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये भी जरूर पढ़िएगा बुक. ये बुक नहीं है, एक इनका डॉक्यूमेंट है जो आपको इसमें यहाँ मिल जाएगा. जब आप इसमें जाएंगे ना, यहाँ पे एग्ज़ाम कैंडिडेट, जब आप इसमें जाएंगे ना CISM क्रेडेंशियल्स में जाएंगे, CISM पे इस पर किसी भी क्लिक करेंगे, फिर CISM के ऑप्शन आएंगे उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा एग्ज़ाम कैंडिडेट गाइड. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज आएगा. इस पेज पे आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा सर्टिफाइड एग्ज़ाम कैंडिडेट गाइड. ये आप पढ़िएगा, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर यू टू रीड दिस, बट इसको पढ़िएगा जरूर. इसमें आपको पूरे स्टेप दिए हुए हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे आपको एग्ज़ाम को अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, वो सब डिटेल इसमें दिया हुआ है. इनफैक्ट आई वॉज लुकिंग फॉर 1 मोर बुक जहाँ पे, इनफैक्ट कल मैं बता भी रहा था किसी को, वहाँ पे ये भी दिया हुआ था कि क्वेश्चन को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए जाते हैं जो पैनल क्वेश्चन बनाता है. ठीक है, बाय द वे ये देखिए, यू हैव 4 आवर्स टू कम्प्लीट द एग्ज़ाम एंड 3 आवर्स टू कम्प्लीट द, अच्छा ओके, सो CDPSC के लिए 3.5 आवर्स हैं बट बाकी के लिए 4 आवर्स हैं. और ये तो है, अगर आप इन पर्सन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आधा घंटे पहले पहुँचना चाहिए. और प्रॉक्टर, यहाँ पे प्रॉक्टर रहेगा अगर आप घर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये उसकी कौन कौन सी आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए वो सब डिटेल दिया हुआ है. एग्ज़ाम डे रूल्स हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा. राजेश वर्मा जी, आपका लास्ट क्वेश्चन ऐसा ना कहिए, यू कैन कीप आस्किंग क्वेश्चन. राजेश वर्मा जी का क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट विच व्हाट पोजीशन आई कैन लुक फॉर. पोजीशन के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पोजीशन आपको खुद ही मिलना चालू हो जाएंगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस. आपको L1, L2, L3 रोल नहीं मिलेगा, आप अगर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बट ऑफर आपको ज़्यादा रहेगा मैनेजर एंड अबव के रोल. ठीक है, इसका अल्टीमेट व्हाट इज इट, अल्टीमेट जो इसका डेजिग्नेशन रहता है फाइनली, वो रहता है CISO. यू कैन गो फॉर द अटमोस्ट टॉप मोस्ट हाइएस्ट लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी डोमेन विच इज CISO, राइट. CISO लेवल तक आप जा सकते हैं, वो आपका कैपेबिलिटी है, आपके ऑफिस में क्या रिक्वायरमेंट है वो उसके बेसिस पे यू कैन गो हेड फॉर द दिस डेजिग्नेशन. बट उसके लिए एक्सपीरियंस, नॉलेज, सर्टिफिकेट, वो सब चाहिए रहता है.
हाउ टू बिकम ए सीसो, मे बी यू कैन फाइंड आउट देर आर सर्टेन बुक्स ऑल्सो, वो आपको वो आपका लास्ट और आई वुड से अटमोस्ट डेजिग्नेशन है जो आपको मिल सकता है. बट मैनेजमेंट एंड अबव तो आपको मिल सकता है, एंड यू कैन गो फॉर गिविंग द एग्जाम फॉर और गिविंग द इंटरव्यू फॉर मैनेजर एंड अबव. यू कैन ईजली अप्लाई बिकॉज सीसम इज मेजरली लुकिंग फॉर सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, वो रोल ही आपको वही मिलेगा. उसके अलावा आपको L1, L2, L3 का अगर आप साउंड हैं किसी टेक्निकल डोमेन में, देन यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. ठीक है, सो ये था आपके रोल के बारे में. और ये देखिए मैं आपको बताते बताते ये भी दिखा रहा था कि हाउ टू बिकम सर्टिफाइड. इसके लिए देखिए आपको जो कुछ कंडीशंस हैं वो आपको सक्सेसफुली क्लियर करनी है. आपको एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद $50 आपको पे करना है एज ए प्रोसेसिंग फीस. उसके बाद एक सेकेंड, ये क्या एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट का फॉर्म है क्या? जस्ट सेकेंड. ओके चलिए मिल गया. मैं जल्दी से आपको यही बताना चाह रहा था, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ. देखिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ. जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को पास करना है, फिर उनके लिए $50 पे करना है जो आप यहाँ पे आके पे कर सकते हैं. फिर ये वो मैनुअल है और ये वो फॉर्म है जो आपको फिल करना है. ठीक है, मैं आपको फॉर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा वीडियो बन गया है. CISM सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन, ये आपको फिल करना है. यहाँ पे अपना नाम डालना है. दिस इज डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल फॉर्म, इसाका ID, ईमेल एंड फोन नंबर. देखिए इसाका ID आपको तभी मिलेगी जब आप उसके मेंबर होंगे. एग्जाम पास ईयर, तो यहाँ पे अपना एग्जाम पास ईयर ड्रॉप डाउन में आप देखिए सेलेक्ट कर लीजिएगा. इसके बाद आपका कंपनी नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ईयर्स, मंथ, ये आपको फिल करना है. ये आपको फिल करना है बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव डोमेन. ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे लिखा 2 ईयर, यहाँ पे लिखा 1 ईयर, सो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट होकर अपने आप आने लगेगा. यहाँ पे लिखा 3 ईयर्स, 4 ईयर, यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया, देखिए अपने आप यहाँ पे 8 ईयर आ गया. दिस इज टॉकिंग अबाउट योर डोमेन विच इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. यहाँ पे आपकी बात हो रही है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपीरियंस वेवर. अच्छा, यहाँ पे वेवर की बात हो रही है. वेवर आपको कब मिलेगा? अगर आपका मास्टर डिग्री है. देखिए ये सब भी इन्होंने दिया है. 2 ईयर का वेवर अगर रहेगा अगर आपने सीसा क्लियर किया है, CISSP किया है, तो भी 2 ईयर का वेवर रहेगा. आपको आई थिंक आप लोग को दिख रहा है क्या? आई थिंक दिख रहा है. 2 ईयर वेवर रहेगा अगर आपने MBA और मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किया है. 1 ईयर का वेवर रहेगा फॉर बैचलर डिग्री एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड. 1 ईयर का वेवर रहेगा ऑफ फॉर स्किल्ड बेस्ड और जनरल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट. ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर देता हूँ. अभी आप देखिए आपको दिख रहा होगा 1 ईयर का वेवर रहेगा अगर आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है. एंड दिस मस्ट बी फुल ईयर, ऐसा नहीं होना चाहिए पार्ट टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, दिस मस्ट बी फुल टाइम एलोकेटेड. तो यहाँ पे आप कंपनी, मतलब कंपनी मीन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ से आपने CISA किया है या MBA किया है और CISSP किया है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, तो यहाँ पे आपको उसके हिसाब से आपको वेवर मिल जाएगा. वेवर मतलब अगर आपको 5 साल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको फिर 3 ही साल का बताना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद वेरीफाई योर एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको 5-1 और 5-2 में आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सिग्नेचर, ये अभी मैंने सेव नहीं किया है. जब यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे पॉपअप आएगा, देयर यू नीड टू गिव द डिजिटल सिग्नेचर अप्रूवल. तो यहाँ पे आपके अगर आप ऑफिस के लैपटॉप से करेंगे तो आपके ऑफिस का ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डिजिटल और सॉरी नॉट फोन नंबर, ईमेल आईडी, IP, होस्ट नेम और नेम, वो सब डिटेल यहाँ पे आ जाता है. देन यू नीड टू फिल द डेट, करेंट डेट. फिर ये फॉर्म को इतना करने के बाद आपको वो फॉर्म इसी पोजीशन में अपने बॉस को देना होगा. ठीक है, बॉस का नाम यहाँ पे रहेगा,
सॉरी यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ शाखा आईडी रहेगा, देन यहाँ पे वेरीफायर नेम, यहाँ पे आपके बॉस का नाम आएगा, कंपनी का नाम, ईमेल आईडी, जॉब टाइटल, फोन नंबर, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है आई एम अटेस्टिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर वर्क एक्सपीरियंस अर्न बाय द एप्लीकेशन एज इंडिकेटेड इन A1, A1 में जो इन्होंने बताया है ऊपर ऊपर वाले सेक्शन में, दैट इज A1, दिस वन, दिस इज बी, दिस इज ए, A1 में जो बताया गया है दैट योर योर बॉस इज सेइंग कि ये दिस इज करेक्ट, और ये ऐसे करके सेक्शन ए बी सी सॉरी सेक्शन ए कंपनी वन, सेक्शन ए कंपनी टू, ऐसे करके वो चारों सेक्शन को वेरीफाई करेगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा आई एम अटेस्टिंग द फॉलोइंग जनरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपीरियंस एज इंडिकेटेड इन A1 सेक्शन बी और सी, तो बी सेक्शन में भी जो आपने वेवर के लिए डाला है और जो सी सेक्शन में आपने मैनेजमेंट एक्सपीरियंस डाला है उसको भी ऐसे टिक लगाएगा एंड यू डिटेल फिल करेगा, फिर वो अपने बारे में बताया कि वो सुपरवाइजर है कि मैनेजर है, कलीग है या कौन है या क्लाइंट है, तो आप यहाँ पे मैनेजर और सुपरवाइजर में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। आई वोंट रिकमेंड कि आप कलीग चूज करें बिकॉज कलीग इज नॉट द पर्सन हु कैन सर्टिफाई एज पर माई नॉलेज, अगर वो आई वुड से कि आप मैनेजर और सुपरवाइजर में से एक चूज करिए। फिर यहाँ पे वो आपका जो 5-2 सेक्शन था उसको भी ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद अच्छा 5-2 क्या था पॉइंट एक बार आप वो भी देख लेता हूँ, किधर गया, आई एम अटेस्टिंग ओके सेक्शन ए का V2 है या 5-2 है, सेक्शन ए का आई थिंक इस एग्रीमेंट की बात हो रही है, दिस इज करेक्ट बेस्ड ऑन माई बेस्ट नॉलेज, इसको भी येस करके फिर यहाँ पे वो जो वेरीफायर है वो अपना सिग्नेचर करेगा, डिजिटल सिग्नेचर, अगेन डिजिटल सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ पे वो अपना डेट डालेगा। इसके बाद एक ऑप्शन और भी आता है जहाँ पे वो ये करेगा कि ये इस फॉर्म को अब कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, वो लॉक करने का ऑप्शन आता है, वो लॉक कर देगा सो दैट नोबडी कैन मॉडिफाई, और लास्ट में आपको जॉब एप्लीकेशन डोमेन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको इन सब पे टिक लगाना होता है। फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग ये भूल जाते हैं ये करना, लोग वहाँ एक बार मैनेजर से अप्रूवल लेने के बाद ही वो बस तुरंत सेव करके सबमिट करके भेज देते हैं। इन चारों में आपका जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस क्वालिफाई कर रहा है उन सब पे आप टिक जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर दो में कर रहा है दो में करिएगा, पाँचों में कर रहा है तो पाँचों में करिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसको टिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फिल द फॉर्म। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो इन Q&A सेक्शन एज ऑफ नाउ। आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो। आई थिंक विद दिस थॉट आई थिंक आई शुड कंक्लूड दिस Q&A सेशन, राइट। किसी और का कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। आई एम स्टिल हियर फॉर फ्यू मोर मिनट्स, इट्स ऑलमोस्ट 1.5 hours नाउ। I can see few other people have already joined, but I got a call at 10:15. Hope will not mind as I have to leave. Yeah, Rajesh ji, ठीक है, you can take the call. I'm also concluding this meeting. Okay, thank you so much, everyone. My humble request is please do participate in this kind of a Q&A session. That will help you to resolve all your queries. And thank you so much for joining the session. All the best for your exam. Or I will be planning to upload this CISM domain 1 followed by other domains videos on daily basis. Or jaisa ki maine bola Saturday ko raat mein 9 baje I will be conducting the Q&A session. Jahan pe aap kisi bhi domain mein koi bhi question hai, aap please mere se pooch sakte hain. Theek hai? You all feel free to. You can just ping me on टेलीग्राम, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो हूँ ही वहाँ पे आंसर करने के लिए। और कम्युनिटी चैनल में मैं कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब में मैं ऑलरेडी
डेली पोल डालता रहता हूँ, सो आप वो भी एक बार देख सकते हैं. यू कैन यू विल डेफिनेटली इंजॉय. ओके, विद दिस नोट, थैंक यू सो मच वंस अगेन. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. होप आई विल बी गेटिंग सम गुड न्यूज सून रिगार्डिंग योर CISM एग्जाम, पासिंग द CISM एग्जाम. ऑलराइट, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बी इन टच. And do subscribe if you have not subscribed yet.